मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कमेंटेटर सुनील गुरु में। और बहुत ही बड़ा मुकाबला है यहाँ पर भारत का, सात मैच भारत के हो चुके हैं। आठवां मुकाबला यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला है भारत का, टॉस बहुत ही बड़ा महत्व रखेगा इस मुकाबले में, क्योंकि अगर भारत टॉस जीतती है तो उनको बल्लेबाजी लेनी चाहिए, क्योंकि जिस मैदान पर यह मैच हो रहा है वो बल्लेबाजी के लिए खासा लाभदायक है। और जैसे कि हमने देखा जो लास्ट मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पर भारत ने टॉस हारा था और बहुत ही बड़ा मैच का टर्निंग पॉइंट वहीं पर था। और नो डाउट बांग्लादेश की टीम को यहाँ पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारत और बांग्लादेश ही दो ऐसी एशिया टीम है जो अभी तक वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा दारंदर रखी है। नो डाउट 2007 की हमें वो बात नहीं भूलनी चाहिए। 2007 में बांग्लादेश ने यहाँ पर भारत को चलता किया था प्ले ऑफ में, वो क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। और उसके बाद अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, सबसे बड़ा यहाँ पर एक मुश्किल आ पड़ी है भारत के लिए कि विजय शंकर यहाँ पर रूल्ड आउट हो चुके हैं, उनके घुटनों में यहाँ पर चोट लगी है। और यहाँ पर सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को बुलाया गया है, मयंक अग्रवाल जो अभी तक अपना डेब्यू नहीं खेले, वनडे अभी तक नहीं खेले हैं, तीन मैच ही खेले यहाँ पर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चौथे नंबर का आपका बल्लेबाज यहाँ पर इंजर्ड हुआ है, चौथे नंबर का बल्लेबाज जब आपका इंजर्ड हुआ है तो आप सलामी बल्लेबाज को यहाँ पर बैकअप के रूप में बुला रहे हैं। नो डाउट ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि केदार जाधव को यहाँ पर रेस्ट दिया जाएगा और रविंद्र जडेजा को एक मौका देना चाहिए। काफ़ी अच्छी वो फील्डिंग कर रहे हैं, अगर आपने उनको टीम पे सिलेक्शन किया है तो फिर सिर्फ आप उनको फील्डिंग करा रहे हो। नो डाउट आपके पास दो मुकाबले हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ, एक मौका उनको देना चाहिए। और सकीबुल हसन काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, उन्होंने दो सेंचुरी लगाई है। और पिछला जो मुकाबला था उन्होंने वहाँ पर 5 विकेट भी लिए और 51 रन भी किए। तो उसके साथ ही सौम्या सरकार, लिटन दास, ये बहुत ही बड़े थ्रेट बन सकती है भारतीय टीम के लिए। तो वहीं पर मुश्फिकुर रहीम और मुशरफ मुर्तजा, ये भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी उनकी गेंदबाजी है, हमें अब देखना है किस प्रकार की भारत यहाँ पर प्लानिंग करती है बांग्लादेश के खिलाफ और कौन से यहाँ पर अपनी प्लेइंग 11 को रखती है। जिस प्रकार शमी और बुमराह यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं वो लाजवाब है, मगर सलामी बल्लेबाज और चौथे नंबर बहुत ही बड़ी समस्या भारत के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 48 डॉट गेंदे खेली यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, पारी की वो मैच जीत सकती थी भारत, मगर आप 14 ओवर में अगर 50 रन ही बना रहे हो अंत में आपके पास प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर नो डाउट आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ऋषभ पंत नो डाउट 21 साल के हैं, पहला मुकाबला, थोड़े बहुत वो नर्वस हो सकते हैं, हम उनको एक मैच से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब देखना है भारत कैसी खेलती है बांग्लादेश के खिलाफ अगला मैच। तब तक के लिए मैं सुनील जज चाहता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।